किसी और का राजकुमार। एक बार की बात है, बहुत दूर एक जादुई और रहस्यमयी जगह थी, जहाँ रहते थे विम्स और साथ में रहती थी बुरी परियां। वहाँ एक राज्य था जिसके राजा की एक बेटी थी जेंटिनेला और एक बेटा था रेमोंडो। जेंटिनेला बहुत ही नेक दिल इंसान थी। एक विम्प ने राजा को बताया था कि उन्हें अपनी बेटी को दुनिया से दूर छुपा कर रखना चाहिए। जैसे ही वो महल के बाहर की दुनिया देखेगी, उसे खतरों का सामना करना पड़ेगा। हम राजकुमारी को बाहर की दुनिया देखने से कैसे रोकेंगे महाराज? इसका तो एक ही रास्ता है, हमें दीवारें इतनी बड़ी करनी होंगी कि वो महल के बाहर कुछ देख ही ना पाए। राजा ने अपने बच्चों के खेलने के लिए खूबसूरत बगीचे भी बनवाए। जेंटिनेला का बगीचा महल के एक तरफ था, जिसके चारों तरफ ऊंची पत्थरों की दीवारें थी, ताकि वो कभी बाहर की दुनिया ना देख सके। मैं जानना चाहती हूँ कि दीवार के दूसरी तरफ क्या है भैया? कुछ नहीं है, या कुछ ऐसा है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पिताजी बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। कुछ साल बीत गए और दोनों भाई बहन को अपना बगीचा बहुत पसंद था। वो पौधों में पानी डालते और उनका अच्छे से ख्याल रखते। जेंटिनेला का बगीचा सबसे बेहतरीन था। जब राजकुमार बड़ा हो गया तो एक दिन ऐसा आया जब उसे राज्य से काफी दूर किसी काम से जाना पड़ा अपना फर्ज निभाने के लिए। ओह, मेरे भाई रेमोंडो, अब तुम भी चले जाओगे और मैं इन बगीचों में अकेली रह जाऊंगी भैया। अरे ये तो मेरा फर्ज है मेरी बहन, तुम जरा इस बारे में सोच कर देखो कि एक दिन हो सकता है तुम्हें एक बहुत अच्छे दोस्त का साथ मिल जाए, या शायद किसी राजकुमार का। ऐसा कहकर रेमोंडो चला गया और जेंटिनेला ने उसे दुखी मन से अलविदा कहा। और फिर एक दिन, अब इसे किस्मत का खेल ही समझ लीजिए, कि राजकुमारी अपने बगीचे में उदास बैठी हुई थी। वही विम्प वापस आया उसके बगीचे की दीवार के पास। उसने जब राजकुमारी को उदास बैठे देखा तो वो उसके पास बैठकर उसे बाहर की खूबसूरत दुनिया के बारे में बताने लगा। वाह, जो तुम बता रहे हो वो किसी सपने से कम नहीं लग रहा, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो, क्योंकि मैं तो इन बड़ी बड़ी दीवारों के उस पार देख ही नहीं सकती ना। एक तरीका है जिससे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ओह सच में, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? विम्प ने राजकुमारी को ऊपर उठाया और दोनों उस बड़ी दीवार के ऊपर उड़ने लगे। उसने राजकुमारी के कान में कोई जादुई मंत्र बोला और अब राजकुमारी खुद उस बड़ी दीवार के ऊपर उड़ सकती थी जब भी उसका मन हो। क्या बात, राजकुमारी ने पहली बार उस दीवार के उस पार की जगह देखी थी। वो जितनी दूर तक देख सकती थी उसने देखा। तभी उसकी नजर उसके पास के ही एक दूसरे बगीचे पर पड़ी। उसने वहाँ एक नौजवान राजकुमार को देखा जिसका नाम था एमेरिलिस। उसने भी राजकुमारी को देखा, पर वो हैरान था कि राजकुमारी कैसे उसे देख पा रही है। हेलो, मैं हूँ राजकुमारी जेंटिनेला। और मैं हूँ राजकुमार एमेरिलिस, और मैं बहुत खुश हूँ और हैरान भी कि तुम मुझे देख पा रही हो जेंटिनेला, क्योंकि मेरा राज्य सबके लिए अदृश्य हो गया है। मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हो रही है राजकुमार एमेरिलिस। क्या ये तुम्हारा बगीचा है और तुम्हारा राज्य अदृश्य कैसे हो गया? राजकुमार एमेरिलिस ने राजकुमारी को अपने श्राप के बारे में बताया। उसने बताया कि उसके परदादा ने एक बुरी परी को नाराज कर दिया था, उसने उन्हें श्राप दे दिया और राज्य को बाकी पूरी दुनिया के लिए अदृश्य बना दिया। राजकुमार एमेरिलिस ने राजकुमारी को ये भी बताया कि उसी साल एक बहुत ही सुंदर फूलों का बगीचा खिला था जिसे अब उसे संभालना है, और अगर वो नाकाम रहा तो उसे जेल में कैद कर लिया जाएगा। ये तो बहुत बुरा हुआ, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बगीचे को और खूबसूरत बनाने में मदद करूँगी, ठीक है? ओह क्या सच में, तुम्हारा दिल वाकई बहुत बड़ा है। उसके बाद दोनों हर रोज मिलने लगे। राजकुमारी राजकुमार के बगीचे में रोजाना आती और उसके बगीचे की पूरी देखभाल करती। उनकी दोस्ती गहरी हो गई और वो उस पल का इंतजार करती कि कब वो एक दूसरे से मिले।
पर जेंटिनेला को कहीं न कहीं पता था कि उसकी ये खुशी ज्यादा दिन बरकरार नहीं रहेगी। एक दिन जब एमेरिलिस के बगीचे में सुंदर फूल खिलाए, राजकुमारी ने देखा कि एमेरिलिस अब भी उदास है। क्या हुआ राजकुमार एमेरिलिस? तुम खुश नहीं लग रहे हो? क्या बात है? हाँ जेंटिनेला, मैं उदास हूँ क्योंकि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। भले ही मैंने तुम्हारी मदद से अपनी सजा पूरी कर ली है, पर मुझे अब भी उस बुरी परी की बेटी से शादी करनी पड़ेगी, एनोनिमी से। ये सुनकर जेंटिनेला को लगा उसके साथ धोखा हुआ है। उसे यकीन नहीं हुआ कि राजकुमार ने इतना वक्त साथ बिताया और इतनी जरूरी बात उससे छुपाई। क्या तुम बुरी परी की बेटी से शादी करोगे और तुमने ये बात बताना जरूरी नहीं समझा? तो इसका मतलब तुम किसी और के राजकुमार हो? ये सही नहीं किया तुमने। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अपने राज्य को श्राप मुक्त करवाने का मेरे पास यही एक तरीका था। मुझे माफ कर दो जेंटिनेला। राजकुमारी जेंटिनेला को बहुत दुख हुआ। वो वहाँ से चली गई। उसने राजकुमार से मिलना छोड़ दिया। वो पूरा वक्त अपने कमरे में उदास बैठी रहती। उसके चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी। उसके माता पिता को उसकी फिक्र होने लगी। उसकी माँ उसकी उदासी की वजह समझ गई थी, इसलिए उन्होंने जाकर उससे बात की। उस रात जेंटिनेला की माँ ने उसे पूरी बात अच्छे से समझाने की कोशिश की। तो क्या हुआ? मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें कोई इस राजकुमार से ज्यादा अच्छा दोस्त मिल जाएगा। पर मुझे अच्छा बुरा कोई नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी में उसकी कमी कोई पूरी नहीं करेगा। ओ मेरी प्यारी बेटी, मैं समझ सकती हूँ। तो अगले दिन सुबह जेंटिनेला राजकुमार एमेरिलिस से अपनी दोस्ती फिर से जोड़ने के लिए भागी। पर दुख की बात ये थी कि राजकुमार दीवार के उस पार नहीं था। उसने उसे आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, तो वो इस तरफ आई और राजकुमार एमेरिलिस के अदृश्य राज्य की तरफ चलने लगी। राजकुमारी डरते डरते अदृश्य राज्य की तरफ बढ़ रही थी। उसे वहाँ कुछ दिखाई तो नहीं दिया, पर कुछ आवाजें जरूर सुनाई दे रही थी। राजकुमार एमेरिलिस को वो बुरी परी उठा कर ले गई। क्या उन्हें वो जेल में बंद कर देगी? ऐसा नहीं होगा अगर वो उस चुड़ैल की बेटी एनानिमी से शादी कर ले। तो हो सकता है कि वो कह दें कि इससे अच्छा होगा कि वो जेल में बंद रहें। राजकुमार के बारे में राज्य के लोगों के मुँह से इस तरह की बातें सुनकर जेंटिनेला बेबस होकर वहीं गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके सामने आकर खड़ा हुआ है। उसने ऊपर देखा तो ये वही वेम्प था। तो अब राजकुमार मैलिस के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्हें खुद को और अपने राज्य को बचाने के लिए चुड़ैल की बात माननी पड़ेगी। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्या आपको सच में लगता है कि चुड़ैल की बेटी किसी और के राजकुमार से शादी कर देगी? इस बात का पता लगाने का एक ही तरीका है, किसी को उसके पास जाकर ये सच बताना पड़ेगा। तुमने सही कहा, मैं उसे ढूंढ लूंगी और बता दूंगी। थोड़ा भरोसा रखो जेंटिनेला, जाओ अब जाकर उस चुड़ैल की बेटी को ढूंढो, क्योंकि वो इस वक्त इस राज्य में ही है। उसे बता दो कि राजकुमार एमेरिलिस आपके हैं। जल्दी करो वरना वक्त निकल जाएगा। राजकुमारी जेंटिनेला एमेरिलिस के राज्य में जितनी तेज भाग सकती थी उतनी तेज भागी। और ये क्या, अदृश्य राज्य धीरे धीरे उसके सामने आ रहा था, जैसे कि वो उसकी दृढ़ता के आगे सिर झुका रहा हो। जब राजकुमारी जंगल के बीच पहाड़ों के रास्ते तेज बारिश में भीगते हुए और उफनते समुद्र को पार कर भाग रही थी, तो वो एक भेड़ से टकराई। रास्ते में उसे लकड़हारा, मछली, समुद्री सांप और आखिर में एक बूढ़ी औरत मिली। उसने उन सब की मदद की और फिर उन्होंने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। तभी अचानक बूढ़ी औरत ने उसे बुलाया। अरे बेटी, इन थिसल्स की वजह से मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो इन्हें उठाने में?
पर ध्यान रखना, इनसे तुम्हारे भी हाथ छिल सकते हैं। मुझे पता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ये कर दूंगी। राजकुमारी ने वो थिसल्स उठाए और उस बूढ़ी औरत की मदद की। जैसे ही वो जाने लगी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। एक बात बताओ, तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो और क्यों? मुझे बुरी परी की बेटी अनन्या से मिलना है और उसे बताना है कि राजकुमार अमेरिलिस उसका राजकुमार नहीं है, बल्कि किसी और का राजकुमार है। किसी और का राजकुमार? किसका? और किसका? मेरा। वो मेरा राजकुमार है। ऐसा कहकर जेंटिनेला अपनी मंजिल की तरफ भागी। बुरी परी की बेटी से मिलने के लिए भागते भागते वो जंगल में पहुंची, जहां उसने एक लड़की को देखा। वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। अरे, तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मेरी माँ चाहती है कि मैं किसी और की राजकुमारी बन जाऊं। वो मेरी शादी ऐसे इंसान से करवाना चाहती है जिससे मैं मिली तक नहीं। कितनी अजीब बात है कि मेरे राजकुमार अमेरिलिस की शादी भी एक बुरी परी की बेटी एनानिमे से होने वाली है। उससे भी तो किसी और के राजकुमार से शादी करनी पड़ेगी ना? बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये कैसा इत्तेफाक है, मैं ही हूँ वो बुरी परी की बेटी एनानिमी, और मैं तो किसी भी सूरत में किसी और के राजकुमार से शादी नहीं करूँगी। और तुम्हारे दिल का राजकुमार कौन है एनानिमी? उसका नाम क्या है? राजकुमार रेमांडो। रेमांडो मेरा भाई है और राजकुमार अमेरिलिस मेरे राजकुमार है। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैंने रेमांडो को राजकुमार अमेरिलिस को हरा कर मारने के लिए भेज दिया। फिक्र मत करो, मैं उन दोनों को अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे से। वो दोनों ही एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। राजकुमारी ने सही कहा। उसी वक्त राजकुमार रेमांडो और राजकुमार अमेरिलिस मुस्कुराते हुए उनकी तरफ आते दिखाई दिए। दोनों कपल्स अब अपने अपने फैसलों से बहुत खुश थे, क्योंकि अब किसी को भी किसी और के राजकुमार और राजकुमारी से शादी नहीं करनी पड़ेगी। पर अभी खेल खत्म नहीं हुआ था, तभी बुरी परी वहाँ पहुँच गयी। चारों उसे देख कर डर गए कि अब आगे क्या होगा। उनकी खुशकिस्मती थी कि बुरी परी ने कहा कि वो अब बुराई से तंग आ चुकी है और वो बदलना चाहती है और अच्छाई का रास्ता अपनाना चाहती है। तुम सब बच्चों को देखकर मेरा दिल पिघल गया। मेरी बेटी को मैंने कभी इतना खुश नहीं देखा। तुम श्राप मुक्त हुए, हमेशा खुश रहो। उस दिन के बाद से राजकुमार अमेरिलिस का राज्य फिर से दिखने लगा और समृद्ध बन गया। दोनों कपल्स की शादी हो गई और अपने अपने बगीचों के साथ सब खुश थे। दीवार गायब हो गई और दोनों राज्यों में हमेशा के लिए शांति स्थापित हो गई।